हेलो दोस्तों, इस समय हम बनारस के लहतारा में दोस्तों संत कबीर के जन्म स्थली स्थान पर आने आए हैं, आपको उनके जन्म स्थली के स्थान को दिखाने। दोस्तों, कबीर साहब जी का लीला में शरीर में बालक के रूप में नीरू और नीमा ने काशी के लहतारा तालाब के एक कमल के पुष्प पर दोस्तों उनको मिले थे। यही वो तालाब है जिस तालाब में कमल के पुष्प के ऊपर नीरू और नीमा को दोस्तों कबीर साहब मिले थे। ये तालाब दोस्तों उनकी मतलब कि धरोहर के रूप में अभी तक इसको संभाल कर उनके निशानी और उनके चिन्ह के रूप में अभी तक इसे संभाल कर रखा गया। जैसा कि एक बहुत ही तालाब के किनारे भव्य मंदिर आपको सामने दिख रहा है और ये इस तालाब की निशानी के रूप में कुछ इस तरह से इसको बचा कर रखा गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। जो इतिहास है कबीरदास जी की, उस इतिहास को बनाए रखने के लिए कुछ इस तरह से इसको घेराबंदी और कुछ इस तरह से कर दिया गया है। ये जो तालाब है, अभी तक संत कबीरदास जी की निशानी, उनकी जन्म स्थली, उनके एक तरह से कहें तो उनके प्रकट स्थल की एक तरह से ये तालाब उनकी निशानी है। अभी वो सामने वो मंदिर है उनका, तो वहाँ भी चलेंगे अभी संत कबीरदास जी के, जो कि संत रविदास जी के गुरु थे संत कबीरदास जी, तो उनके मंदिर में भी। दोस्तों, हम लोग कबीर बाबा के मंदिर के करीब आ गए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और हमारे एक बाबा हैं उनकी जो सेवा में लगे हुए हैं, इन सेवाकारी में बातें बताने के लिए लाए हैं आपको। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये भव्य मंदिर उनका बहुत ही खूबसूरत और पर्यटक के हिसाब से बहुत ही अच्छा है देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कबीर बाबा का मंदिर बहुत ही भव्य और शानदार, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये जो कबीर साहब हैं, 15वीं शताब्दी के भारतीय और रहस्यवादी कवि थे और ये संत के रूप में भी जाने जाते थे। ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल में दोस्तों परमेश्वर की भक्ति के लिए महान प्रवर्तक के रूप में भी उभरे हैं। दोस्तों जो इनकी रचनाएं हैं, सिख धर्म के आदि ग्रंथ में भी इनकी रचनाएं आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, वे न तो हिंदू धर्म और न ही मुस्लिम धर्म को मानते थे, वे केवल दोस्तों एक सर्वोच्च ईश्वर पर विश्वास रखते थे। ये सतगुरु कबीर दास जी बाबा का ये मंदिर भव्य स्मारक बन रहा है। अभी इसमें डेवलपिंग प्रोसेस, अभी बनने का प्रक्रिया जारी है, जैसा कि देख पा रहे हैं इधर कुछ पिलर वगैरह बन रहे हैं। अभी ये कुछ इस तरह से बाबा का स्मारक दिख रहा है। प्रकट स्थल ये इसको कहते हैं। पिंक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बाबा का ये मंदिर, ऐसा कि देख पा रहे हैं। अंदर चलेंगे अभी। दोस्तों, कबीर साहब के गुरु दोस्तों रामानंद जी थे। दोस्तों, रामानंद जी को कबीर साहब ने अपना गुरु माना था, और दोस्तों जब कबीर साहब अपने घर पर रहते थे तो दोस्तों इनके यहाँ साधु संतों का दोस्तों बहुत बड़ा जमावाड़ा दिखने को मिलता था। हर समय दोस्तों इनसे कोई न कोई मतलब कि डिस्कशन धर्म के बारे में कोई न कोई डिस्कशन करने के लिए इनके पास होता था। ये आपके सामने ये जो तीन मंजिला धाम दिख रहा है, प्रवेश द्वार, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। दोस्तों, अभी हम यहाँ के रहने वाले बाबा हरिनारायण दास जी से कबीर साहब के बारे में चल के बात करेंगे। मेरा नाम हरिनारायण दास है, मैं यहाँ 40 वर्षों से रहता हूँ इस स्थान पे। मैं आया था, यहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल वीरान जगह थी, लेकिन कबीर साहब के नाम से जगह थी। यहाँ लोग जानते थे कि कबीर साहब का प्रादुर्भाव काशी लहरतारा में हुआ है। ये तालाब कभी किसी समय में 70 एकड़ का था, सब लोगों ने कब्जा किए हुए थे। उसमें से हमारे गुरुजी उदित नाम साहब ने 7 एकड़ ज़मीन को ख़रीदा 1967 में, और यहाँ कबीर साहब गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत कबीर, और जलज माही पौडन किए सब पीरन के पीर।
कबीर साहब किसी एक के लिए नहीं आते, सारे समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश दिया उन्होंने। उन्होंने मुख्य बीजक ग्रंथ में बताया है, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया, कहो कौने बौड़ाया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना या में भाव न दूजा, कहन सुन कर दुई कर थापे एक निवाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पे रहिए। कबीर साहब का कहना है संसार में दो ईश्वर दो परमात्मा नहीं है। उन्होंने कितना सटीक उपमा दिया है, कहा है गहना एक कनक ते गहना या में भाव न दूजा, स्वर्ण एक धातु होते हैं, उनके अनेक प्रकार के जेवर तैयार होते हैं, अंगुली में पहनते हो तो उसे अंगूठी कहते हो, उसी के ऊपर पहनते हो तो फिर बाला कहते हो, गले में पहनते तो माला कहते हैं, बाजार में खरीदते तो कीमत सबका बराबर लगता है क्योंकि सब स्वर्ण का बना हुआ है। इसलिए उन्होंने बताया कि जिस तरह से धातु का सामान बना हुआ एक कीमत से बिकता है, उसी तरह से हमारे इस संसार में आराधना के स्थल जो है अलग अलग है, कीमत सबका बराबर है। इस तरह से कबीर साहब ने समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश, उन्होंने तो कहा है कि हिंदू कहो तो मैं नहीं मुसलमान भी नहीं, अब पांच तत्व की पुतला गई भी खेले माही। कबीर साहब ने बताया कि संसार में जब व्यक्ति आता है तो न कोई हिंदू बन के आता है, न कोई मुस्लिम बन के आता है, न कोई सिख बन के आता है, न ईसाई बन के आता है, इंसान के स्वरूप में आता है। और माता पिता जैसा संस्कार डालते हैं, तुम नाई हो, तुम धोबी हो, तुम अमुक हो अमुक हो, इस तरह से हम फंस जाते हैं। लेकिन संसार में सब एक इंसान है। कहा आया एक के देश से उतर ही एक के घाट, हवा लगी संसार का तब हो गए बारह बार। इस संसार में एक ही माता पिता के उदर से सभी आते हैं और यहाँ आकर के अपने अपने माता पिता जैसा संस्कार डालते हैं, उस तरह से हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था इस तालाब में कबीर साहब आए और यहाँ से नीरू नीमा दोनों दंपत्ति 1456 में उनका प्रादुर्भाव हुआ। दोनों शादी कराकर इसी रास्ते से जा रहे थे। ताप का महीना था, जून में ज्येष्ठ की पूर्णिमा के समय की बात है। तो दोनों दंपत्ति इसी रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हें प्यास लगी, इस तालाब में आए जल लेने को। कमल पुष्प पर बालक को हाथ पैर फेंकते देखा, उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया। उठा कर लेके जाते हैं तो नीरू कहता है कि तुम कहाँ से बलाए खरीद लियो, समाज में कितना विकृति फैलेगी। इस तरह से उन्होंने कहा कि जहाँ से बच्चा लाया है वहीं जाकर छोड़ दो। उन्होंने कहा कि देखिए जीवन यापन हमें आपको करना है, परमात्मा ने इतना सुंदर बालक दिया है हम लोगों को, तो इसे हम लोग ले चले। इस तरह सलाह करके दोनों ले गए। यहाँ से कबीर चौड़ा स्थान है, वहाँ उनकी लालन पालन हुआ, वहीं से प्रचार प्रसार किया उन्होंने। कबीर साहब ने काशी की जो मान्यता थी कि काशी में लोग कहते हैं कि पंडित लोग की यहाँ मुक्ति होती है, तो इस भ्रम को हटाने के लिए कबीर साहब ने 120 वर्ष तक यहाँ रहे और उसके बाद अब यहाँ से चल दिए मगहर में। मगहर में मरने वाले को लोग कहते थे पंडित लोग कि वहाँ मरने से गधा होते हैं और यहाँ काशी रहने से मुक्ति होती है। इस भ्रम को हटाने के लिए कबीर साहब ने यहाँ से चल दिए मगहर को। तो मगहर गए तो इनके शिष्य दोनों थे, वीर सिंह देव बघेला राणा, बिजली खान पैठान, ये सब उनके शिष्य थे। तब जो राजा लोग भी चल पड़े गुरु जी के साथ में, राजा चला तो उनके साथ राजा का फौज भी गया। वहाँ गए मगहर में अमी नदी के किनारे, वहीं लेट गए, वहीं शरीर छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद दोनों में विवाद खड़ी हो गई। हिंदू कहे कि मैं अपनी रीति भांति से दफनाऊंगा, मुस्लिम कहे कि मैं अपनी रीति भांति से दफनाऊंगा। दोनों में विवाद खड़ा हो गए। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, कहा खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध अवस्था कर डाड़ी, सुन के है वाणी अचरज मानी, देख निशानी सिर मारी, सिर पे हाथ थम्मा था पर हाथ मारता है। तो कहता है बाल ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इस तरह से कपड़े हटा के देखा तो वहाँ दो पुष्प मिला जो कि दोनों ने बांट लिया, एक ने मजार बनाया है, एक ने समाधि बनाया। इस तरह से कबीर साहब का वार्तालाप हुआ। कबीर साहब ने यहाँ पंडितों को बड़े कड़े शब्दों से पछाड़ा लोगों को। उन्होंने कहा है मारे निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर भावे, दिल में दर्द नहीं आई, कड़ी स्नान तिलक से बैठे, विधि से देवी पुजाई, आत्म राम फलक में दिन से रुद्र की नदी बहाई, अति पुनित ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अधिकाई, इनसे दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मेरो भाई, पाप पटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। कितने करे शब्दों से प्रहार किया उन्होंने पंडितों से। उन्होंने तो आज समाज में देखेंगे मिट्टी के बर्तन में पानी रखेंगे तो पंडित लोग उसको नहीं पीते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने उसको कहा पारे बूझ पियो तुम पानी, पारे जी बूझ पियो तुम पानी, जही मटिया के घर में बैठे ताहि में सृष्टि समानी, 56 कोटि यादव जहाँ भींजे, मुनिजन 68 पैग पैग पैगम्बर गारे,
वो सब सारी भय माटी जब 56 करोड़ जो उसमें लड़कर मरे थे तो उस समय वो तो अब तो इसी जमीन में सरे गले और उसी मिट्टी का मकान बने हुए उसमें रहते हो, तो छूत से कहाँ से तुम अलग हो सकते हो। इस तरह से जितना आडंबर था कबीर साहब ने आडंबर की पर्दाफाश किया समाज में। इस तरह से कबीर साहब ने सारे समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश दिया। कबीर साहब की जय, काश धर्मदास साहब की जय, साहेब बंदगी साहेब। हमारे यहाँ आश्रम में 3 कार्यक्रम साल का होता है। एक तो बड़ा रूप से होता है जो कि जयंती मनाते हैं कबीर साहब की जून में ज्येष्ठ की पूर्णिमा को, तो वो 3 दिन का कार्यक्रम होता है। उसके बाद गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, वो तो 1 दिन का रहता है। उसके बाद एक और हम जिन्होंने इस मंदिर को निर्माण किया है उदित नाम साहब जी ने, उनका तिथि भी मनाते हैं हम पौष की एकादशी को। अभी 13 तारीख को था लेकिन कोरोना की वजह से कार्यक्रम स्थगित रहा, अपने अपने लोग मनाए बस। साहेब बंदगी।